आज दिल्ली में चुनावी मंथन होना है। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ चुनाव पर रणनीति बनेगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर मीटिंग होनी है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान बीजेपी से जुड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक होगी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान बीजेपी का आज दिल्ली में चुनावी मंथन होगा और देखिए बीजेपी कोर ग्रुप के साथ चुनाव पर रणनीति बनेगी कि आने वाले दिनों में चुनाव है तो किस रणनीति के साथ चुनाव में उतरा जाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर देखिए आज दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कितने बजे से बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज पूर्ण मंथन है राष्ट्रीय राजधानी में। दोपहर बाद ये बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। हालांकि पहले 12 बजे का समय था लेकिन कल देर रात को जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली आना था लेकिन खराब मौसम होने की वजह से उनका विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया वहां से। अब सुबह वो वहां से रवाना होंगे। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक आहूत होगी। दोपहर 12 बजे का समय प्रस्तावित है। काफी महत्वपूर्ण आज का ये मंथन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी होनी है। ऐसे में फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी, फाइनल होमवर्क किया जाएगा क्योंकि दूसरी सूची जो आएगी उसके नामों पर मंथन किया जाएगा। करीब 80 से ज्यादा नामों की दूसरी सूची जल्द जारी होने वाली है। हालांकि 41 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी पहले राजस्थान में जारी कर चुकी है। 41 नामों की सूची में 7 सांसदों को उतारा गया है। ऐसे में अब प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब भी भारी भरकम सूची आएगी क्योंकि अभी जो सूची जारी की है वो अधिकांश सीटें वो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर मानी जाती है। लेकिन अब उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा जो कि बीजेपी की फेवर की सीट है और वहां पर विरोध भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि लगातार कई जो प्रत्याशी हैं, कई जो दावेदार हैं वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को टिकट मिलना है तो वो एक व्यक्ति कौन हो ये फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो स्क्रूटनी कर रहे हैं कि जिताऊ व्यक्ति को टिकट दी जाए। तमाम प्रदेश के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो इस मंथन में जुटे हुए हैं और आज जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री पीएल संतोष के साथ तमाम राजस्थान कोर ग्रुप बैठेगा। कल देर रात से ही तमाम राजस्थान कोर ग्रुप के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज सुबह तक तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दोपहर बाद जेपी नड्डा के साथ महत्वपूर्ण मंथन है। आयुषी बिल्कुल लखवीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान बीजेपी की आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होने वाली है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी को केंद्रीय नेतृत्व खत्म नहीं कर पाया। चुनाव में गुटबाजी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कई महीनों पहले नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार कार्यकर्ताओं के भरोसे ही राजस्थान में सत्ता वापसी के जरिए चुनावी मैदान में कूद गया है। इसीलिए साल भर कार्यकर्ताओं को अलग अलग ट्रेनिंग के बावजूद चुनाव का ऐलान होने के बाद भी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठकें ली जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। दोनों बैठकों के अंदर हर जिले में जो बैठक ली है उसके अंदर जिला अध्यक्षों को पिछले 3-4 महीने जो कार्य सौंपा उसके अपना व्रत रखा सभी ने कि जो जो आपको जिम्मेदारी मिली, चाहे मोर्चा सम्मेलन हो, पेज प्रमुख बनाना हो, बूथ समिति और भी अन्य जो काम सौंपे उसका क्रियान्वयन कैसे है, कितना किया है, तो वो सबसे पूछा भी और जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने
अपनी ओर से ऐसे सूत्र दिए जिसके कारण हम आगामी दिनों में जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस प्रकार प्रभावी रूप से जनता को अपने साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को आगे बढ़ा सकें। वोट बैंक के साथ साथ ही जो हमारा दलित वर्ग है उनके साथ भी हम ठीक से संवाद स्थापित कराकर उनको भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को अजय बनाने के लिए जो उन्होंने सूत्र बताए, मेरा मानना है और भी कई विषय रखे उन्होंने। हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपने बयानों के जरिए पार्टी की नई स्ट्रेटजी की ओर संकेत दिया था। पीएम मोदी ने पहले जयपुर और फिर चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ संदेश दिया था कि चेहरे के बजाय कमल का फूल ही हमारी शान और पहचान है। बीजेपी की इस रणनीति के चलते ही इस बार परिवर्तन यात्राओं में भी पार्टी ने किसी को भी चेहरा नहीं बनाया था। अब जब पार्टी ने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और ज्यादातर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, तब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के बजाय कमल के फूल पर फोकस करने को कह रही है। जेपी नड्डा साहब ने ऐसा मंत्र दिया है कि जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बाहर आए उनका चेहरा देख के आप देख सकते हो सरकार आ रही है। मंत्र नहीं बताएंगे, वो चुनाव में काम आएगा। चुनाव में जाने जनता को बताना पड़ेगा, समय समय में आपको भी बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर है पक्की, जो पार्टी मेवाड़ फतेह करती है उसी की सरकार बनती है, और मेवाड़ में जिस तरह से वातावरण बना है तो निश्चित तौर से 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आज की तारीख में जीत रही है, और 3 में कहीं मुकाबला है तो उसमें भी हम रणनीति बना रहे हैं, उनको भी कैसे जीत सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हो रहे विरोध को भी पार्टी गुटबाजी के रूप में देख रही है। बीजेपी की रणनीति है कि विरोध करने वाले नेताओं को सिरे से ही खारिज कर दिया जाए। अगर कार्यकर्ता चेहरों के बजाय कमल के फूल को ही प्रत्याशी मान लेते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा नेता बगावत करे पार्टी पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। इसी कारण से पार्टी ने पहले से ही कार्यकर्ताओं पर विशेष फोकस किया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को कांग्रेस ने चुनावी हथियार बना लिया है, जिसकी झलक 12 में देखने को मिली। यहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा का आगाज कर दिया। इसके जरिए कांग्रेस का मकसद पूर्वी राजस्थान के गांव और कस्बों में कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाना है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 13 जिलों की जनता के हितों को देखते हुए काम किया जाना है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की होड़ लग गई है। 12 में कांग्रेस के कई दिग्गज एक मंच पर जुटे और ईआरसीपी के बहाने प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा राजे सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री तब शुरू किया गया ईआरसीपी का काम। नवनिर्मित बांध 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल कालीसिंध पार्वती की नदियों का पानी बहकर के व्यर्थ में जाता है। आप बताइए उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं सरकार की जिद है हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? तो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है। ईआरसीपी का किसानों और आम लोगों के फायदे के अलावा इस परियोजना का सियासी गणित भी है, क्योंकि जिन 13 जिलों में इसमें शामिल किया गया है उन 13 जिलों की 86 विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए कांग्रेस से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग केंद्र से कर रही है। उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा, आप तो सोच के यही आए हैं, आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ आना चाहिए ना? आना चाहिए, तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहाँ पर
कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी भी इस योजना में श्रेय लेना चाह रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफ कहना है कि बीजेपी हर हाल में राजस्थान की जनता से किए वादे को संकल्प पत्र के जरिए पूरा करेगी। 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा हम 37,000 करोड़ रूपए ERCP को बनाने में बजट के प्रावधान किया हमने। इनकी सरकार ERCP का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे, किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया? ERCP का झुंझुना पकड़ा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। सियासी गणित के बीच आइए आपको बताते हैं कि ये परियोजना अहम क्यों है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए अहम है, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल हैं। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट का इन 13 जिलों की 86 सीटों पर सीधा असर है। अब बात आती है इस पर होने वाले खर्च की और इससे होने वाले फायदे की। ERCP योजना के अंतर्गत राज्य का 23.67% इलाका आएगा। इसके अलावा राज्य की 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये सफल रहा तो 2,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। प्रदेश में माहौल चुनावी है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जनता है सब जानती है, जो चाहती है वो करती है। अब नेताओं के दावों वादों का कितना असर होगा ये 25 नवंबर को मतदान के बाद और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के लाल डायरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना कि लाल डायरी है, लेकिन वो लाल डायरी के उन 2 पन्नों के बारे में नहीं बता पाए जिनका राजेंद्र गुढ़ा ने जिक्र किया था और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। खड़गे साहब ने आज 12 में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा को घोषित किया बैठक में और चुनाव का आगाज करते हुए एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया और उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा कि लाल डायरी में ये लिखा हुआ है कि अगली सरकार वापस कांग्रेस की बनने वाली है। मेरा तो प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जिनको हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया था और डायरी की एक कॉपी लेकर के विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर के और सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने पीटा था, वो जो 2 पन्ने माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घाटित किए थे जिनके पास में वो डायरी है, ये जो खड़गे साहब ने पंक्ति लिखी है, जो पंक्ति बोली है, वो पंक्ति उस डायरी में उन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किए गए पन्नों से पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई है, खड़गे साहब को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें डूंगरपुर से 1, बांसवाड़ा से 2, उदयपुर जिले से 3 और झालावाड़, पाली और बाड़मेर से 1-1 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। BTP के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बेलाराम घोगरा ने बताया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी इस बार 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, बचे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। आज की इस प्रथम सूची के अंदर प्रवीण परमार खेरवाड़ा
उदयपुर से, बसंत गरासिया बागीदोरा बांसवाड़ा से, रणछोड़ ताबियार 84168 डूंगरपुर से, डॉक्टर देव डामोर झाड़ोल 150 उदयपुर से, राजकुमार कटारा मोरथला 200 झालावाड़ से, तगाराम भील शिव 134 बाड़मेर से, मुगलाराम बाली 120 पाली से और प्रकाश खराड़ी सलूम्बर आरजे 58 सलूम्बर से। ये उम्मीदवारों की प्रथम सूची आज घोषित की जाती है। कुल 9 नाम हैं अभी जो घोषित जारी की जा रही है और लगभग 25 इसके समेत 25 लोग लाइन में हैं, आने वाली सेकंड लिस्ट में इनकी घोषणा की जाएगी। आपको दे दे हिस्ट्री शीटर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में अपडेट सामने आई है। पुलिस ने चार्जशीट में बरी कृपाल के बेटे को गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है और कुलदीप हत्याकांड मामले में अब देखिए पूछताछ की जा रही है। पुलिस नाम न होने के बाद भी कर रही हत्याकांड में जांच और देखिए आदित्य के साथ एक अन्य युवक भी गिरफ्तार किया गया है। कुलदीप हत्याकांड मामले में भी अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी पुलिस ने जब्त की है। उदयपुर से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी ये नकदी और नोटों की गड्डियां देख करके पुलिस भी दंग रह गई। आपको बता दें कि चुनावी दौर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। खेरवाड़ा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर के फलोदी में कलरा गांव के पास बस और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर के जो बस है वो पलट गई और भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल फलोदी में भर्ती करा दिया गया है। रामदेवरा मार्ग और कलरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत के साथ ही माता की आराधना और भक्ति का दौर शुरू हो गया है। वहीं मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक उदयपुर से सटे बेड़वास पहाड़ी पर स्थित आशापुरा माताजी मंदिर प्रांगण में 31 फीट ऊंचे और 2 टन वजनी त्रिशूल की स्थापना की गई। इस त्रिशूल स्थापना में सैकड़ों लोग इसके साक्षी बने। ये त्रिशूल माताजी के भक्त देबारी रामदेव जी का वाड़ा निवासी भान सिंह फतेह सिंह नवदीप सिंह देवड़ा ने भेंट किया है। इसकी लागत तकरीबन 5 लाख रुपए आई है। वहीं इस त्रिशूल को बनाने में तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। त्रिशूल को स्थापित करने से पूर्व में मंदिर में मौजूद 9 कन्याओं ने इनका पूजन करवाया। इसके बाद पहाड़ी पर त्रिशूल स्थापित किया गया। उदयपुर के बेड़वास पहाड़ी पर स्थित आशापुरा माताजी के मंदिर में स्थापित ये माता की 2 प्रतिमा है, जिन्हें चौहान वंश और देवड़ा वंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। उदयपुर शहर में नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों की खास भीड़ देखी जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि में भोजन प्रसादी का भी आयोजन होता है। देवड़ा समाज सदस्य चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि उदयपुर की मां आशापुरा का मंदिर मेवाड़ को आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां हर प्रमुख पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर है, इसी में से एक आशापुरा माता मंदिर भी है। नैनीताल शहर पर जिस कदर विपदा दिख रही है उसका सबसे बड़ा कारण ओवरलोड है, जो खत्म हो जाने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि इसके बाद भी शहर में अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं, तो अधिकारियों और बिल्डर्स के गठजोड़ ने आज शहर को खतरे में डाल दिया है। वो भी तब जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट व्यावसायिक निर्माण को बैन कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नैनीताल शहर में होटलों और गेस्ट हाउसों का निर्माण हुआ, तो पिछले 3 से 4 सालों में व्यावसायिक निर्माण बैन होने के बाद भी 50 से ज्यादा होम स्टे को गैर कानूनी तौर पर अनुमति देकर
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही जो भक्तजन है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, अशोक भाटी अजमेर से और अशोक शर्मा जो कि श्री गंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक भाटी का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, पहले तो वो तस्वीर दिखाइए। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, जाहिर सी बात है मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही होगी। जी बिल्कुल, हम अजमेर के प्रसिद्ध मंदिर अंबे माता मंदिर में हैं। हम आपको सीधे यहाँ पर जो है मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और सभी यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये अंबे माता मंदिर का है, यहाँ की प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, जहाँ पर लगातार जो है सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आपको बता दें यह मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहता है, मतलब आप देर रात में भी यहाँ पहुंचेंगे तो भी ये मंदिर खुला रहेगा और सुबह भी यहाँ जो है मंदिर खुला रहेगा। यहाँ पर सभी जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे बच्चे जो हैं स्कूल जाने से पहले एक बार माता के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि माता ने जो भी उनसे मांगा है वो पूरा किया है। तो अभी क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, कई बच्चे जो हैं एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो अलग अलग वर्ग, चाहे टीचर हो, स्कूल के बच्चे हों, या फिर टेम्पो चालक हो, या फिर तमाम जो वो लोग हों जो यहाँ से गुजरते हैं, वो एक बार मंदिर जरूर आते हैं। उनका ये मानना है कि माता ने उनकी जो हर मनोकामना है वो पूर्ण की है और इसी प्रकार से लगातार जो है ये ताता जो है दिन भर लगा रहता है। चूंकि भीड़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि 24 घंटे ये मंदिर खुला रहता है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं किस तरह से यहाँ पर अरदास करते हैं और क्या भगवान से यहाँ पर माताजी से मांगते हैं, कुछ इनसे बातचीत करते हैं। आप माताजी के पास आए हैं, क्या अरदास लेकर आए हैं, क्या मान्यता है यहाँ? मान्यता तो बहुत है, लेकिन हम तो ये कहते हैं आशीर्वाद बना रखे और कुछ नहीं मांगते, इज्जत बना रखे। बिल्कुल, आशीर्वाद बनाए रहे और यही मनोकामना है। और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कब से ये आते हैं और क्या यहाँ की मान्यता है। भाई साहब, आप भाई साहब यहाँ आते हैं, आप क्या मान्यता है, आप सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए? घर में सुख शांति बनी रहे और माता जी का आशीर्वाद बना रहे, दिन भर सब पूरे साल वर्ष भर हमारे काम अच्छे होते रहे, काम अच्छे तो रहे। बच्चे भी हमारे साथ, आप यहाँ पर चूंकि जा रहे हैं तो ये बच्चे हैं जो माताजी के दर्शन करने के लिए आए हैं, हालांकि लेट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। हम बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री गंगानगर से अशोक शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिये नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि इन 9 दिन जो तस्वीरें सामने आ रही है मंदिरों में काफी सजावट की गई है और जो भक्तजन पहुंच रहे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आयुषी, देखिए शारदीय नवरात्रे वो नवरात्रे होते हैं जब माता रानी के भक्त सीधे सीधे यूं कहें कि अपने माता रानी के संपर्क में आते हैं। चूंकि शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है तो तीसरे दिन में आपको देखिए माँ भगवती के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से, उन्हें प्रसन्न करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये श्री गंगानगर का दुर्गा मंदिर है जहां पर माता के सभी 9 रूप प्रतिस्थापित किए गए हैं और आज चूंकि तीसरा दिन है तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के लिए अल सुबह से भक्तों के मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि तीसरा दिन है तो तीसरे दिन भी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से पहले दिन की जो रौनक हमने मंदिरों में देखी थी वैसी की वैसी रौनक आज भी श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में बनी हुई है। जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहेगा। आप ये देखिए, कुछ महिला श्रद्धालु हैं जो हर रोज नवरात्रि के दौरान मंदिर पहुंचती हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी के भजन गाती हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा कि आज माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए? माँ भगवती को आज प्रसन्न करने के लिए चंद्रघंटा जी को उनको जो है दूध से बने प्रसाद और नारियल चुन्नी सिंगार और चढ़ा करके विशेष रूप से पान का भोग माता को जरूर लगाया जाए, क्योंकि चंद्रघंटा देवी जो तीसरा स्वरूप है, त्रिदेवों के तेज से माता का प्राकट्य हुआ था तो उस समय महिषासुर के वध के लिए जब माता गई थी, महिषासुर का अंत किया, माता ने पान का भोग लिया था, तो आज का विशेष भोग माता का पान का है, फूल नारियल चढ़ा करके माँ को प्रसन्न करते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पान का भोग लगाया जाना अति आवश्यक है, तो श्रेष्ठ भी माना
माना जाता है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से नवरात्रे मना रहे हैं। आप कैसे मना रहे हैं मैडम नवरात्रे? बहुत अच्छे से माता की मंदिर में आती हूँ, धूप लगाती हूँ, घर पर पूजा पाठ करती हूँ, दुर्गा सप्तशती की प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। तो देखिए, हर किसी का अपना अपना आस्था है, अपना अपना विश्वास है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे। आप बताएं कि आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार नवरात्रि? बहुत अच्छे से मना रहे हैं श्रद्धा से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल श्रद्धा से घर पे पूजा पाठ करके बड़ा घर का वातावरण भी ऐसा हो जाता है जैसे नवरात्रे आते हैं, भक्ति में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कैसे घर पे किस तरह से मना रहे हैं? घर पे जोत जला के, खेती बीज के। बढ़िया। देखिए, श्रद्धा का सैलाब तो यहाँ देख ही रहे हैं, चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आयुषी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिरों की डेकोरेशन की बात की जाए तो देखिए मंदिर प्रबंधन के द्वारा खास डेकोरेशन की गई है ताकि शारदीय नवरात्रि के द्वारा जो श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उन्हें विशेष आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। आप ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और चूंकि शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है तो ऐसे में माता चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर सभी। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। अशोक, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए मंदिरों की जो सजावट है वो भव्य की गई है और इन 9 दिन माता को अलग अलग भोग लगाया जा रहा है माता को प्रसन्न करने के लिए। आज क्या भोग लगाया जा रहा है, जो भक्तजन है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है अम्बे माता मंदिर में जो है दर्शन कराएंगे और किस तरह से ये दर्शन होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कतारबंद लोग हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पुजारी हैं और जो स्वयं सेवक हैं वो किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, इनसे जानते हैं और क्या यहाँ की मान्यता है और कब से लोग यहाँ पर आते हैं और कितनी बजे पूजा अर्चना होती है। देखिए, यहाँ की मान्यता बहुत सालों से है और दूसरी बात, आज जो मंदिर है वो अभी नवरात्रों के समय में 24 घंटे खुला हुआ रहता है। सुबह आरती का समय 7 बजे है और वही शाम को अगर आरती का समय जो है वही भी 7 बजे ही है। और अभी अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर जगराता होंगे जिसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो बहुत भारी संख्या में उभर कर आएंगे। अष्टमी के दिन यहाँ पर जो है क्योंकि जागरण होता है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े भजन गायक हैं वो मौजूद होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ होती है और इसके बावजूद यहाँ पर बिल्कुल अशोक ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें देखने को मिल रहा है कि भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और इन 9 दिन माता को प्रसन्न करने के लिए जो भक्तजन है वो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं और वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि लगातार आरती की जा रही है, माता को भोग लगाया जा रहा है, सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप दोनों संवाददाता का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।